तो कैसे हो भाई लोग? भाई मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी। तो आपको पता ही होगा कि ये इवेंट आगे पे आते खतरा ही है रे कैसे बाबा। रेंडर हो रहा है, ठीक है? तो जैसे अभी मैं स्टार्टिंग उतरा, भाई 90% बंदे तो यही एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं रहता भाई, लिटरली मतलब अगर 10 मीटर भी और हो जाएगा सकता हूँ भाई, अपनी सेफ्टी नहीं होती है। तो भाई ये सब यहाँ पे आता हूँ, लेफ्ट साइड में फुट आती है, ठीक है? उसका पुश मारूँ और देखो भाई मैं डायरेक्ट ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाओ हमने गेम चालू कर ली, 5 मिनट बाकी है। और ये तो मैं डायरेक्ट छोड़ देता हूँ, अकेले 4 बंदों पे पुश मार रहा था, ठीक है? तो इसको तो कहने लगा कि देखो अपने टीममेट्स को जैसे रिवाइव करके मैं रिवाइव करता हूँ, और रिवाइव करके जैसे भी निकलते देखो कैसे कैसे बंदे मेरे हम लोग पे स्प्रे देना चालू बंदा मारा हूं भाई ग्रिल से वो तो लेकिन मैं बच जाता हूँ, पर देखना क्या होता है। अभी जैसे मैं जाता हूँ भाई मेरे पे स्कोप नहीं है, रेड ऑर्डर सामने बंदे भाई मैं जैसे तैसे बचता हूँ यहाँ पे, ठीक है? उनकी स्प्रे थोड़ी चूक हो जाती है, फिर अभी चूक कर रहे हैं तो फिर इनको तो सजा मिलनी चाहिए ना बिल्कुल भी। भाई मिस किया तो मिस मैं तो नहीं करने वाला ना, मैं रेड के पुश मारता हूँ और देखो सामने दिखता मुझे से नॉक करता हूँ, ठीक है? और देखना यहाँ पे मेरी एमएस दिखना, ठीक है? एकदम पूरी मार दिया कवर में, फिर जाके बंदा मारा, ठीक है? और फिर मैं वापस ऊपर एक नेट करता हूँ और कुछ मारता हूँ, मेरे टीममेट देखना उधर गए हैं दोनों बंदे, दो है मैं खेलूँ, ठीक है? इस साइड से दोनों के दोनों, ठीक है? यहाँ तो नॉक हो गए, चलो मैं वापस से मैं रिवाइव देता हूँ उनको, ठीक है? रिवाइव दिया सबके टीममेट की, वो कवर देते हैं अब तो अपने टीममेट्स को, ठीक है? okay. और मैं अपने टीममेट्स को अकेला कवर देता हूँ, मुझे कोई कवर ही नहीं देता। देखो नीचे भी एक पड़ा हुआ है, ऊपर भी दो पड़े हुए हैं भाई, नीचे वाले तो मैं बचा नहीं पाता, ठीक है? अभी जैसे नीचे वाला तो मर गया, ठीक है? फिर वापस मैं ऊपर जाना रिवाइव करके भी आया ही होता हूँ, ठीक है? अभी मैं सोचता हूँ थोड़ी एके में एमो नहीं थी तो मैं एमो ढूंढ लूँ थोड़ा थोड़ी देर, पेटी पेटी जैसे एमो हमारे बस का नहीं है। अब मैं सोचता हूँ कि जाके ऊपर बेल बजा दूँ तो मुझे सामने से फुट आती है, ठीक है? बंदे यहाँ पे 9 बंदे और लाइव होते हैं तो मुझे हल्की से फुट आती है, पर मैं सोचता हूँ कि पहले जिंगल बेल का घंटा बजा दूँ घंटा घर, फिर मैं थोड़ी देर फाइट लूँगा। तो मैं अपने टीममेट से जाता हूँ क्योंकि इनको फाइट ले लिए, ठीक है? अब बॉट मारा पता नहीं क्या मारा, पर इन्होंने फायर किया था तो मैं डायरेक्ट इनके पे चला जाता हूँ। और भाई अभी जैसे यहाँ पर पहुँचूंगा, ठीक है? पेटी लूट रहा था बोट की, मैं सोचता हूँ थोड़ी 7 की मम्मी लगी भाई, जैसे मैं ऊपर एक और नॉक, ठीक है? अपने टीम में भाई ये गया ये भी और भाई जैसे जैसे मैं नॉक करता हूँ पर मैं अपने टीममेट्स की हेल्थ नहीं देख पाता, पर मैं इस मारने के चक्कर में अपने टीममेट्स को ही भूल गया, ठीक है? रिवाइव देना, तो यहाँ मेरी गलती थी। और इसी के साथ यहाँ पे इवेंट पे मतलब बंदे तो खत्म थे, अब बॉट थे वो क्या कैंपर थे, तो मैं यहाँ पे भी छोड़ देता हूँ क्योंकि वो निकलने वाले थे नहीं, एक ही बंदा बचा था यहाँ पे, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर ढूंढता हूँ, नहीं मिलता तो निकल जाता हूँ मैं। और जैसे मैं यहाँ पे निकलता हूँ, ठीक है, अपार्टमेंट साइड पहुँचता हूँ, तो ये देखो ये बंदे को देख रहा हूँ फुल DTP और M24 दबा के चल रहा है, फिनिश मार के सोचता हूँ अपार्टमेंट पुश मार दूँ, ठीक है? अभी जैसे मैं वापस में आता हूँ वापस से एक और मुझे राइट साइड में एक और बंदा दिखता है, ठीक है? तो भाई जैसे अभी ये बंदा मुझे ओपन में दिखता है तो मैं सोचता हूँ ओपन में ही लेके मार लेता हूँ, ठीक है? और ये होता है बॉट, मुझे लगा बंदा है लेकिन ये बॉट होता है। अब देखना सीन क्या होता है, मैं अपार्टमेंट तो घुस जाऊँगा पर देखना सीन क्या था, ठीक है?
यहाँ मैं गया, मुझे कुछ आइडिया नहीं कौन से अपार्टमेंट बंदे हैं, कौन से में मेन में है साइड वाले में, कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं डिस वाले घर पे अपनी घोड़ा गाड़ी ठोक देता हूँ। ठीक है, ठोकने के बाद जैसे आगे मैं जाता हूँ, देखना अभी क्या हुआ। इस घर से अलग फुट आ रही है, पीछे वाले घर से अलग फुट आ रही है, बिल्डिंग से अलग फुट आ रही है। ठीक है, अभी देखना, मैं सोचता हूँ पहले इस पर पुश मारूँ, पर मुझे थोड़े ज़्यादा फुट इस साइड से आ रही थी, देखते हैं मुझे खिड़की तो मैं इसको लेता हूँ, तो ये अकेला बंदा तो फिनिश हो जाता है। अब ये देखना, चार बंदे मेरे भाई, लिटरली मेरा एक ही फायर पे ही रुक गया, तो मैं यहाँ से फॉल बैक करने की सोचता हूँ, क्योंकि चार बंदे थे मेरे, मुझे हीलिंग लगानी थी और बंदा पुश मार रहे थे, तो मैं डायरेक्ट पहले इधर फॉल बैक करके अंदर जाता हूँ। ठीक है, अंदर जाके मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ इधर हीलिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हील करता हूँ, हील करने के बाद देखना। अभी यहाँ एक पत्थर पे भी बंदा बैठा हुआ था, पता नहीं कब से बैठा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो इन्होंने मोली कर रहा था, नेट कर रहा था, तो मैंने इसको देखा और इसको और जैसे ही M24 निकालते इसको ही फिनिश मारते। अब देखना, यहाँ से तो हो गया इसका काम, अब मैं सोचता हूँ कि बगल वाले बंदों पे पुश मारते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं निकलता हूँ अपनी घोड़े गाड़ी पे, सोचता हूँ घोड़ा गाड़ी से लेके निकलूँ यहाँ से। तो जैसे यहाँ से घोड़ा गाड़ी में लेके निकलता हूँ, अभी देखना मैं मेन बिल्डिंग के साइड जाता हूँ, कि मतलब कहाँ कहाँ बंदे, मतलब मेन इस बगल वाले बिल्डिंग में बंदे, तो मैं सोचता हूँ मेन वाले में चला जाऊँ और वहाँ से पुश मारूँगा साइड से, क्यों मेन वाले में थोड़ा एडवांटेज होता है अपर का, ऊपर रहने का। अभी देखना, यहाँ जाता हूँ, मेन में अलग बंदे, राइट साइड वाले में अलग बंदे, ठीक है, और फिर लेफ्ट साइड वाले इस वाली बिल्डिंग में भी अलग बंदे, और जोन भी था, तो मैं सोचता हूँ कि भाई अकेला हूँ, एक से भी फाइट लूँगा तो चटनी बन जानी है, तो मैं आगे निकल जाता हूँ। सोचता हूँ कि आगे साइड से जैसे अभी जोन, ये जोन कट रहा है तो ये आएंगे ही आगे। अभी देखना स्कूल पे जैसे मैं पहुँचता हूँ, देखना एक यहाँ बंदा, फिर एक ऊपर बंदा आपको दिखाई होगा, और फिर देखना अभी ये कुछ नहीं, फिर आगे जाता हूँ, फिर यहाँ एक और बंदा। अब भाई ये सारे बंदे मिलकर मुझे ही मार रहे हैं, ठीक है, और किसी को नहीं मार रहा, सारे मुझे ही मार रहे हैं। पर ये जो इसका है ना, इसका जिगल मतलब राइट लेफ्ट वाला है ना, बहुत तगड़ा जाता है, पता नहीं चलता कि तुम, आपको तो इतना पता नहीं चलोगे कि स्पीड है इस पर, पर राइट लेफ्ट बहुत स्पीड हो जाता है, इसलिए गोलियाँ किसी की कनेक्ट नहीं होती मेरे पे। अभी देखना वो भाई मेरे को अकेला देखेगा, वो कैसे अंदर पुश मारेंगे। गाड़ी पे बैठे, और भाई ये दो बंदे होते हैं और एक अलग गाड़ी से किया, और इसको लगे हाथ फिनिश भी मारते हैं। जैसे ये फिनिश होता है, अभी देखना पीछे साइड से एक मेरी गाड़ी आ चुकी है। ठीक है, एक बंदे ने, इसका बंदा एक पूरा फ्लैंक करके उतने देर में चला आया स्कूल से। ये देखना इसको, ये मेरे को वहाँ ढूंढता है, थोड़ा डैमेज देता हूँ, फिर इसको नॉक लेता हूँ। ठीक है, अब देखना यहाँ पे नॉक लेने के बाद इसको पूरा फिनिश ही डालने का मूड में था मैं, कहा कि भाई स्टूडेंट्स तो आने वाले हैं नहीं, तो इसको मैं पूरा फिनिश मारता हूँ, एक ही मारता हूँ, मुझे लगा फिनिश, वापस आता हूँ M4 मारता हूँ। ठीक है, अब देखना उसका एक और बंदा स्कूल पे भी दो, अगर ये M4 का स्प्रे पसंद है ना, तो ब्रो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर, सब्सक्राइब नहीं करना, और अभी इसको फिनिश मार के, और मैं फिनिश मारता हूँ, थोड़ा दूर था तो मैं टैप टैप मारता हूँ इसको ब्रश में, तो भाई इसको फिनिश मार के, ठीक है, मैं वापस से अपनी घोड़ा गाड़ी निकालता हूँ यहाँ से। ठीक है, वापस से घोड़ा गाड़ी निकालता हूँ, सर्कल की तरफ चला जाता हूँ वापस से। अब भाई सर्कल पे आता हूँ, तो ऊपर से एक और वो उड़ने वाली जो घोड़ा गाड़ी है वो मेरे साइड लेफ्ट साइड में दिखता है, और भाई मुझे पता नहीं होता इनके पास थी ओम, ठीक है, AWM, और भाई मैं यहाँ जाता हूँ। ठीक है, अभी देखना मैं, मुझे नहीं आइडिया कि इनके पास ओम है या कुछ भी है, ये हमारे है या सामने दोनों बंदे मेरे पे ही हैं। ठीक है, मैं हल्का समझता हूँ ओम से, ठीक है, तब एग्जैक्ट मेरे सर के ऊपर से ओम जाती है, तो भाई मैं सोचता हूँ कि मैं पिक ना करूँ, और थोड़ा सा रेंडर होता तो मैं इधर उधर देखता हूँ, गाड़ी तो नहीं आ रही ना, और जैसे मैं इधर उधर देखता हूँ अपने राइट साइड में एक गाड़ी आती है। अभी देखना राइट साइड में गाड़ी है गटर में, ठीक है, टनल में गाड़ी आती है। ठीक है, वो उतर गई, फिर मैं यहाँ बोलता हूँ यहाँ तो सेफ नहीं है, फिर मैं यहाँ आता हूँ, फिर मैं कहता हूँ भाई फिर वापस से। अभी ओम वाले को मेरी पोजीशन तो पता नहीं थी, मेरे को लगा वो वहाँ देखा है, मुझे तो यहाँ नहीं देख रहा था, ऊपर में था वो, तो मैं सोचता हूँ पहले इधर उधर देख लेता हूँ, अगल बगल पीछे तो कोई बंदे नहीं है ना मेरे, तो मैं जैसे अगल बगल देख के अब सोचता हूँ कि बूस्टर लगा के फाइट वापस से लूँ। ठीक है, अभी देखना मेरे साथ क्या होता है, सीन क्या बनने वाला है मेरे साथ, देखना देख के। ठीक है, अब ऊपर एक और बंदा बैठा हुआ है, मुझे नहीं लगा कि मुझे वो देखा हुआ है, ठीक है, वो कहीं और देख रहा था, और भाई ओम कसम से बॉडी लगी, अगर ये हेड लग गई होती ना यही मेरा काम ख़त्म था भाई। वापस से बूस्टर लगाता हूँ, वेस्ट पूरी डैमेज है। ठीक है, और मैं सोचता हूँ टनल वाले से फाइट लूँ कि ना लूँ, उससे फ़ाइट लेना थोड़ा रिस्की था, क्योंकि लॉन्ग रेंज में उसके पास ओम थी, और तब तक भाई एक और ट्विस्ट, एक और गाड़ी मेरे पे,
भाई गाड़ियाँ बैक टू बैक मेरे ही पे सारे बंदे रस कर रहे हैं। अभी देखना मैं थोड़े आते हैं यहाँ पर, आप कैंपिंग बोलो ये जो बोलो भाई, इनको बहुत प्यारा मारता हूँ ठीक है। और मेरी हेल्थ देखना, लिटरली 1 HP का हूँ ठीक है। इनको मारने के बाद अपने देखते हैं जोन के अंदर हूँ मैं, और फिर मैं हीलिंग करता हूँ। हीलिंग करने के बाद मैं इनकी पेटी से थोड़ी हेलमेट वेस्ट लेता हूँ और निकलता हूँ जोन की तरफ। मैं जोन कट गया था मेरे पे, मैं गाड़ी पे स्मोक करता हूँ और लेके निकलता हूँ। पीछे साइड से गाड़ी आ रही है आप देख सकते हो, पर मैं सोचता हूँ जोन में जाने के बाद फाइट लूँगा। तो मैं जाता हूँ, अब देखो ये गाड़ी तो मेरे पीछे तो पड़ी पड़ी है। अब वो जो घोड़े गाड़ी वाली गाड़ी थी, घोड़े वाले बंदे ओम वाले, वो भी मेरे पे आ रहे हैं भाई। एक टाइम पे दो स्कॉड आ रही है मेरे पे, देखना भी क्या सीन था। अभी जैसे यहाँ मैं गया ठीक है, मैं नीचे देख रहा हूँ कि मेरे पे कोई बंदा आ रहा है, देखता हूँ घोड़ा गाड़ी आ रही है ठीक है। और भाई ये पेड़ में खो जाता है, मुझे दिखता ही नहीं है, मैं स्प्रे ले नहीं पाता। और जैसे स्प्रे लेता हूँ भाई, सब जगह से बंदे फैल के गिरते मेरे ऊपर। अब देखो क्या होता है भाई, इसको नॉक देता हूँ, एक गेम रिलोड नहीं थी। और बाय द वे इनको भी फिनिश मार देता हूँ ठीक है। और फिनिश मार के अब यहाँ पर थोड़ी सी वापस से मैं हील करता हूँ, और हील करने के बाद वापस मैं सर्कल की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ भी सर्कल कट गया था और पीछे वाली स्पॉट रुक गई थी वहीं पे। अब देखो मैं उन पर पुश मारता हूँ, क्योंकि वो उनके पास सर्कल था, मेरे पास सर्कल है नहीं। और बाय द वे बंदे के पास AMR भी थी। अब देखना उसके मुंह पे गाड़ी लगाता हूँ मैं और फाइट भाई। बंदा पिक करता है पर वो थोड़ा सा चौक कर देता मारने में, फायर नहीं किया उसने उस दिन, मैंने इसको फायर कर दिया। और सामने मेरे को बंदा एक और लग जाती, इसको भी फिनिश मार देता हूँ। और भाई मैं सोचता हूँ कि अब आगे और थोड़ा चलता हूँ अंदर, क्योंकि अभी पांच बंदे चार बंदे और बचे मेरे को लेके, मेरे को छोड़ के। और सामने मुझे एक ग्लिच शूट में बंदा थोड़ा सा ग्रोजर से मारता है, मुझे डैमेज देता है। पर भाई थोड़ा सा अगर चौक कर देता ना तो मैं यहाँ पे मर जाता। अभी देखना सीन क्या बनता है। राइट साइड में बंदे हैं मेरे, लेफ्ट साइड में ये मेरे पे एम लेके बैठे हुए हैं, और चारों बंदे मेरे पे ही एम लेके बैठेंगे। यहाँ पे देखना शुरू से लास्ट तक सारे बंदे मेरे को ही मार रहे हैं ठीक। अभी देखना ये नेट पे नेट कर रहा है, और जैसे स्प्रे देता है मैं इसके पे थोड़ा सा बर्फ वाली मारता हूँ, और जैसे इसके टीममेट एक और बंदे को मार देता है, और लगे जैसे ये जब पिक करके स्प्रे देता है तो इसको भी नॉक दे देता हूँ मैं। और नॉक देने के बाद अब देखना मैं सोचता हूँ डायरेक्ट इसके पे पुश मार दूँ, देखता हूँ क्या होता है। स्मोक हुआ था तो मैं सोचा था कि एक बंदा तो अभी नॉक हुआ है, जस्ट आप देख सकते हो, देखा था किलविंड में। तो मैं डायरेक्ट इसके पे पुश मारता हूँ, इसके टीममेट्स थोड़ा तो फायर देंगे, पोजीशन थोड़ी सी रिवील हो जाएगी। तब तक सामने वाले बंदे ने इसका टीममेट, सामने वाले बंदे इसका टीममेट मार देता है। अब देखो 1v1 की फाइट है, सामने स्मोक है, तो मैं सोचता हूँ भाई उस साइड ही होगा बंदा, फायर भी उसी साइड से आया था और बंदा मुझे दिख भी जाता है ठीक है। लेकिन वो फोन होकर मारता है भाई, क्या ही मेरी देख सकते हो, वेस्ट तो है नहीं मेरे पे, ना के बराबर है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पिक करने की ट्राई करता हूँ, पर उसकी स्प्रे अगर थोड़ी सी भी कनेक्ट हो जाती ना तो मैं नॉक हो जाता, मतलब फिनिश हो जाता, नॉक तो होता नहीं। तो मैं इसलिए थोड़ा सा वापस वेट करता हूँ हीलिंग लगाने का। भाई वो बंदा इतना चालाक था, डैमेज होगा तो हील लगाने के लिए रुकेगा वो, उतनी देर में वो कवर में आ जाता है सर्कल से। अब देखना 1v1 की फाइट में क्या होता है। सामने वाला बंदा दिमाग लगाता है, देखो क्या होता है। सामने वाला बंदा जंप कर रहा था ठीक है, सामने वाला बंदा अभी जंप करना स्टार्ट कर देगा ठीक। तो मैं भाई, मैं बोला कि भाई शायद से सब्सक्राइबर अपना हो सकता है, तो मैं कुछ किया नहीं ठीक है। वो जंप कर रहा है तो मैं रुक गया, मैं भी जंप करने लगा वापस से। तो देखना उसका भाई क्लोज़ आ रहा है, क्लोज़ आके देखना क्या करेगा मेरे साथ वो। भाई ये सीन कभी मत किया करो यार, सामने वाले को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है भाई, हर्ट हो जाता है भाई। सामने वाला बंदा जंप कर रहा है, मेरे को लगा कि भाई गिवअप कर रहा है, और भाई क्लोज आने के बाद लगा उसने लग रहा है फायर करने का ठीक है। तो लगे हाथ इसको भी निपटाते हैं। और भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करनी तो कर दो भाई। गाइस मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।